नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बनाएंगे ये गणपति जी की प्यारी सी पेंटिंग। इसके लिए मैंने 7x7 के ग्रिड तैयार किए और उन ग्रिड की हेल्प से मैंने अपना एक स्केच रेडी किया, जिस स्केच को बनने के बाद कुछ ये ऐसा दिख रहा है। और इस स्केच में अब हम कलर करेंगे। कलर के लिए मैंने वाटर में मैंने एक्रेलिक थोड़ा सा कलर मिक्स करके उसको इस तरह से फैलाया और फिर रेड कलर को भी मैंने वाटर में मिक्स करके ज़रा सा उसको इस तरह से फैलाया है। आप देख रहे हैं, हाथ से ही मैंने इसको फैलाया है। ड्राई हो गया है, अब इसमें मैं आउटलाइन कर रही हूँ। ब्राउन कलर के वैक्स कलर जो होते हैं वो कलर मैं आउटलाइन के लिए यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन कलर की शेड मैंने इसमें यूज़ की है और इस पूरे स्केच को मैंने ब्राउन कलर से ही आउटलाइन किया है। और उसके बाद मैंने पूरा आउटलाइन होने के बाद रेड कलर इसके ऊपर मैंने ट्राई किया है। अंदर की तरफ मैंने सारा आउटलाइन के अंदर अंदर रेड कलर यूज़ किया है। जहाँ जहाँ मुझे डिज़ायर था कि मैं यहाँ पर रेड कलर करूँ, जैसा मैंने सोचा था किस तरह मैंने इसको बनाना है, इस तरह से हल्की शेडिंग सी देते हुए मैंने पूरा रेड कलर किया है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये मैंने ब्लाइंडिंग के लिए ईयरबड यूज़ किया है। इसको ईयरबड की सहायता से मैंने इसको थोड़ा हल्के हल्के हाथ से पूरा ब्लाइंड कर दिया है, जिससे शेड हमारी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। जो सारी शेडिंग मैंने की है उस कलर लगाने के बाद में शेडिंग सारी मैंने ब्लेंडिंग की हेल्प से दी है, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही है। ये सारी ब्लेंडिंग करके पूरा शेडेड हो जाएगा। सारा मैंने इस तरह से पूरा ब्लाइंड कर दिया है, ये ब्लाइंड हमारा हो गया। अब इसके बाद मैंने पूरे स्केच के आउटर में मैंने ब्लैक कलर, पेंसिल के ब्लैक कलर से आउटलाइन किया है, जिससे हमारा गणपति जी उभर कर सामने अच्छे से दिखे हमें। तो उसके लिए हमने ब्लैक कलर की हेल्प से सारी आउटलाइन की है और हल्की हल्की जहाँ हमें गहरी शेडिंग चाहिए थी वहाँ हमने ब्लैक कलर से शेडिंग भी की है। जहाँ हमें अपने स्केच में गहरा कलर दिखाना था, डार्क शेड्स शो करना था, वहाँ पर हमने ब्लैक कलर से शेडिंग भी हल्की हल्की की है और आउटलाइन तो हमने ब्लैक कलर से करी ही है। इस तरह से मैंने सारे स्केच पर बहुत अच्छे से, जहाँ जहाँ मुझे शेडिंग डार्क शो करनी थी वहाँ पर भी मैंने ब्लैक कलर किया और आउटलाइन तो की ही है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अगर दोस्तों इस स्केच को मैं अगर आपको स्पीड करके ना दिखाऊं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा,
इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी है, जिससे आप समझ अच्छे से पा रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मैंने रेड ही गणपति जी बनाए, तो मैंने इनकी आईब्रोज को भी रेड ही किया है और अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और ये आँख के अंदर भी मैं रेड कलर किया है। तो आप